بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है सांस की दिक्कत, जिसे हम अस्थमा भी बोलते हैं। बहुत से लोग बेचारे परेशान हैं, हमारे बुजुर्ग सांस के लिए पता नहीं कैसी कैसी दवाई खाते हैं, और बहुत से लोग वो जो सांस लेने का आता है कैप्सूल घेर के उसको भी लेते हैं, फिर भी उनकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती जी। आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा, इंशाल्लाह उसे करने के बाद आपकी प्रॉब्लम अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म से ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस ज़मीन पर बहुत सी नियामतों को उगाया है इंसानों के लिए। इंसान अल्लाह तबारक ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ज़मीन पर और आसमान में बहुत सी हमारी निशानी देखता है और नज़रअंदाज कर देता है, बहुत सी निशानी देखता है हमारी और नज़रअंदाज कर देता है। आज मैं ये वीडियो तमाम इंसानों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से इंसान बेचारे टैबलेटें खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं और भी बहुत सी, और वो पाइप लगाने का भी कैप्सूल घेर के उसमें उसे भी यूज करते हैं, मगर बहुत दिक्कत है बेचारों को। और बहुत लोग बहुत महंगी महंगी दवाई बनाते हैं, आयुर्वेद में भी बहुत महंगी महंगी दवाइयां हैं। आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा बिल्कुल फ्री वाला, बिल्कुल फ्री और 100% इसका रिजल्ट है। देखो, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को तो मैं टाल नहीं सकता भाई, तुम्हारे अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे लिए क्या हुक्म करता है क्या नहीं, मगर अल्लाह तबारक ताला ने इसमें शिफा रखी है जो मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा। और बहुत से लोगों पे, हज़ारों लोगों पे हमारे उस्तादों ने इसको आजमाया है। आज तक किसी पेशेंट ने आने के ये नहीं बोला, हमारे उस्ताद कहते हैं मुझे इससे शिफा नहीं मिली। 15-15, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये की दवाई बनाते हैं आयुर्वेद की भी। मैं आपको बिल्कुल फ्री, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें इसके ऊपर, इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए हैं जिसे आप बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हो। आपकी दुकान पे अजवाइन भी मिल जाएगी, घर में भी पड़ी रहती है अजवाइन, हर इंसान की रसोई में घर में के अंदर अजवाइन मिलती है। और तीसरी चीज़ है मोरंगा, जिसे हिंदी में सूंझना भी बोलते हैं, सुहांजना भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, और भी ज़बानों में इसके नाम है मुख्तलिफ किस्म के। और जो तीसरी चीज़ है वह है मदार की जड़, जिसे अकौवा के नाम से भी बोलते हैं, आग के नाम से भी बोलते हैं, और मदार इसका पॉपुलर नाम है हमारी ज़बान में। अक्सर लोग मदार के नाम से आयुर्वेद में इसका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको मैं लाया था भाई किसी काम के लिए, अभी तक मैं इसको यूज नहीं करी, मैं इसका भी यूज करूँगा और आगे भी वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। इसका ये पूरी जड़ इसकी कहीं कहीं चीज़ में काम आती है इंशाल्लाह। आज आप सिर्फ सांस के ऊपर बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है सिर्फ सांस के ऊपर, ताकि इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। और ये सांस जैसी दिक्कत अल्लाह तबारक ताला इस बला को दूर कर दे तुमसे, अल्लाह तबारक ताला से उम्मीद है अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी ख़त्म कर देगा। तो इसका करना क्या है भाई, देखो हमें कैसे कैसे यूज करनी है, हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे तो फ्री पड़ जाएगा आपको बिल्कुल, अगर नहीं थोड़ी मेहनत करोगे भाई तो आप पंसारी के भी जा सकते हो, पंसारी के जाके इसकी जड़ का छिलक ले लो, बोलो जाएगा भाई मुझे 50 ग्राम मदार का या आखी का या अकौवे का, जो भी तुम्हारी ज़बान में बोला जाता है, इसका छिलक चाहिए भाई मुझे, ऊपर ऊपर से छिलक, मैंने थोड़ा उतारा भी है छिलक भाई, अब तो सूख गया। अगर गिल्ली आप उखाड़ के लाओगे इसको
तो क्या है, छिल्लक इसका एकदम उतर जाएगा, सुक्की का नहीं उतरेगा छिल्लक इसका। सुक्की का तो ये भुरभुरा हो जाता है, मैंने उतारने की कोशिश भी करी, देखो ये थोड़ा उतरा है। इसका जायका भी बता देता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको कैसा है। इसका जायका थोड़ा कड़वा है हल्का, क्योंकि हमको तो लगता नहीं, क्योंकि हम तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ खाते हैं, चाहे कैसी भी जहरीली जड़ी बूटी हो उसका भी हमको पता नहीं लगता क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। अगर आप ताज़ी लाओगे तो इसका छिल्लक उतार लियो आप, जितना भी हो जाए छिल्लक, 50 ग्राम हो जाए, 20 ग्राम हो जाए, या 40 ग्राम या 100 ग्राम, 50 ग्राम से कम बना ही लियो, 50 ग्राम कम से कम बना लियो। इसका छिल्लक 50 ग्राम ले लो, उतार लो, उतार लो, और उसके बाद 50 ग्राम अजवाइन मिला देनी है इसके अंदर, 50 ग्राम अजवाइन मिला देनी है, और 50 ग्राम मोरंगा का पाउडर मिला देना है इसके अंदर। इसको तीनों को इकट्ठा कर लो आप, तीनों को इकट्ठा करके इसकी डोज बता देता हूँ कितनी लेनी है आपको। इसकी डोज आपको एक चुटकी सुबह को और एक शाम को, चुटकी से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ का एक हिसाब होता है, अगर इससे ज़्यादा लोगे आपको क्या है, लैट्रिन भी लग सकती है, घबराहट भी हो सकती है, ठीक है भाई। मगर इसकी एक चुटकी इसकी डोज है, एक चुटकी से ज़्यादा नहीं लेनी इसकी आपको। और कुछ आपको फ्रेज भी करना है, फ्रेज क्या है, फ्रिज की चीज़ें सारी ख़त्म कर देनी है, फ्रिज की जितनी भी ठंडी चीज़ें है सारी ख़त्म कर देनी है। बीड़ी होक्का आपको, ये भी फ्रेज है आपके लिए, इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना। अगर नहीं ठीक होना भाई, अपना खाते रहो फिर अपना दवाई वही सारी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है भाई इसकी दवाई नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ की दवाई बनाई है, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी नहीं पैदा करी जिसकी दवाई ना हो, मगर अल्लाह के हुक्म से। हर चीज़ के अंदर शिफा है, मगर वो अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर हमारे हुक्म से। तो इसकी यही है भाई, आज वीडियो को बनाने का मकसद यही है, ताकि तमाम इंसानों के लिए वीडियो बनाऊं भाई मैं। बहुत लोग परेशान हैं, हमारे बुजुर्ग, बस हम तो यही चाहते हैं भाई, लाइक और शेयर तो हम कहते नहीं किसी को, वो उनकी मर्ज़ी है, बाकी हम दुआओं के लिए बोल लेंगे। जितनी भी हमारी माँ बहनें और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बाप दादा, सबको बोलेंगे भाई हमारे लिए दुआएं करना, क्योंकि दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं दुनिया के अंदर, क्योंकि इस दुनिया से जाना है और दुआओं की उसे ज़रूरत पड़ेगी। और अल्लाह के नबी की हदीस है, उनका तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा इंसानियत की खिदमत करता हो। तो इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाई, वीडियो बनाने का मकसद यही था, हमने आपको समझा दिया। और भाई अगर समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।